नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रेप आईएएस पर। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के बारे में। हाल ही में एक न्यूज निकल के आई है कि उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं तीरथ सिंह रावत, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 3 जुलाई को यहाँ पे इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और अब बीजेपी एक नया लीडर चुनने जा रही है, जिसके बाद अगला सीएम कौन होगा ये डिसाइड किया जाएगा। अभी कुछ टाइम पहले मैं मोबाइल चला रहा था तो कुछ मीम्स मुझे मिले इनसे रिलेटेड, तो मैंने चलो आपके साथ भी ये शेयर कर लिए जाते हैं। तो चलिए ये मीम आप लोग देखिए, तब तक मैं इसके पीछे की बैकएंड स्टोरी आपको सुना देता हूँ। मार्च 10 को इन्होंने सीएम पद की शपथ ली, 10 मार्च को ये चीफ मिनिस्टर बने और लगभग 100-115 दिनों के बाद इनको आज रिजाइन करना पड़ा। रिजाइन क्यों करना पड़ा? क्योंकि जब भी कोई मुख्यमंत्री बनता है और अगर उसके पास विधायिका की, लेजिस्लेचर की अगर यहाँ पे मेंबरशिप नहीं होती है तो उसको 6 महीने के बाद रिजाइन करना पड़ता है। वो केवल 6 महीने तक मेंबर रह सकता है, मैक्सिमम 6 महीने में उसको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे पॉलिटिकल एंगल भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल भी है और हंसी मजाक तो है ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये मुद्दा। थोड़ा सा पहले हम पॉलिटिकल एंगल को देखेंगे। देखो ये जो तीरथ सिंह है, पिछले 3-4 दिनों से बार बार ये दिल्ली में बैठे हुए थे और इनकी जो बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह से बार बार यहाँ पे मुलाकातें हो रही थी, तो जिनसे यहाँ पे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है उनने ऑलरेडी ये अनुमान लगा लिया था कि इनका बदलना तय है और यहाँ पे बदलाव की अटकलें चलने लगी थी। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड को यूपी से तोड़ के एक नया स्टेट बनाया गया था। उत्तराखंड में 2 मेजर पार्टीज हैं, कांग्रेस और भाजपा। प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो बीजेपी के पास 56 विधायक हैं जो कि अभी लीडिंग पोजीशन पर है, मेजोरिटी इसी के पास है। पहले यहां पे विधायक हुआ करते थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये तीरथ सिंह है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि जो पार्टी के कार्यकर्ता थे स्टेट लेवल पे, जो ऑफिशियल्स थे, वो उनके साथ खुश नहीं थे। तो मार्च में वो रिजाइन करते हैं। उनके रिजाइन करने के बाद 10 मार्च को तीरथ सिंह यहाँ पे शपथ लेते हैं, जो कि बीजेपी के एक सांसद भी हैं गढ़वाल सीट से। जैसे ही ये 10 मार्च को यहाँ पे शपथ लेते हैं, इनके पास 10 सितंबर तक का टाइम रहता है, 6 महीने का, कि ये जाके किसी ना किसी तरीके से मेंबर बने लेजिस्लेचर के। अब ऐसा नहीं है कि ये मेंबर नहीं बन सकते थे, ऑलरेडी 2 सीटें अभी उत्तराखंड में खाली है, वैकेंट है, एक गंगोत्री, दूसरा हल्द्वानी, जिन पर उपचुनाव होने, एक पर बीजेपी का मेंबर था और एक पर कांग्रेस का, तो ये सीटें अभी खाली हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे मेनली कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं है, मेन जो बात आ रही है कि पार्टी के जो सीनियर लीडर्स थे वो इनसे नाखुश थे, वो नहीं चाहते थे कि इनके अंडर लीडरशिप में यहाँ पे जो अपकमिंग इलेक्शन है उसको लड़ा जाए। उत्तराखंड में होने वाले हैं इलेक्शन, मार्च 2022 में ये इलेक्शन होंगे। अब यहाँ पे तीरथ सिंह रावत जो है, इनको लोग जानते थे इनके बेतुके बयान के लिए, बयानबाजी बहुत करते थे। ऊपर से अभी हाईकोर्ट ने भी इनको फटकार लगाई थी, चाहे वो चारधाम यात्रा को लेके हो या फिर कुंभ मेले को लेके हो, कोविड प्रोटोकॉल्स की भी इन्होंने अनदेखी की, जिनकी वजह से क्या पब्लिक के अंदर एक नाराजगी बन गई थी इनको लेके। एक साल में ही चुनाव है तो बीजेपी यहाँ पे नहीं चाहती थी कि इनके साथ मूव करें। तो ये तो हो गई पूरी पॉलिटिकल बातें, अब चलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल बातों पर। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है कि सीएम कौन होगा, तो मेजोरिटी पार्टी का लीडर, मेजॉरिटी पार्टी का लीडर, ठीक है, इसको मैंने फिर से हाईलाइट किया। क्यों? तो बीजेपी के पास है 56 MLA, तो मतलब ये सारे MLA मिलके अपना लीडर डिसाइड करेंगे कि कौन होगा। तो उसी के लिए अभी नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ पे पहुंच चुके हैं देहरादून, जो विधायकों के साथ मीटिंग करेंगे और नया मुख्यमंत्री चूज करेंगे। कहने को ये मीटिंग होती है, मुख्यमंत्री पहले से ही चूज कर लिया गया होगा पार्टी लीडरशिप के द्वारा। तो ये तो हुआ संवैधानिक। अब आते हैं कि अपॉइंटमेंट वगैरह कैसे होगी, सीएम की क्या क्लॉजेस हैं। तो देखो आर्टिकल 164 की अगर हम बात करें, जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, उसमें साफ लिखा है कि जो चीफ मिनिस्टर होगा उसको अपॉइंट किया जाएगा गवर्नर के द्वारा। इसके बाद जितने भी मिनिस्टर्स होंगे उसकी कैबिनेट में या फिर उसके अलावा जो राज्य मंत्री रहेंगे, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे वो सारे मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाएंगे राज्यपाल के द्वारा। ये सारे मिनिस्टर्स कब तक रहेंगे? जब तक गवर्नर चाहेगा तब तक। गवर्नर चाहेगा इसका मतलब क्या है कि बेसिकली अगर चीफ मिनिस्टर बोल देता है कि इनको हटाना है तब वो हटा सकता है, ठीक है, या फिर सीएम कॉन्फिडेंस खो देता है तो उस टाइम पे। ऐसा नहीं कि मन में आज रात के सो के उठे गवर्नर साहब, सुबह से जाके किसी को हटा दिया, तो ऐसा नहीं होगा। एक कंडीशन और लिखी हुई है कि बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे जो राज्य रहेंगे इनमें एक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर भी होगा। ये जो मिनिस्टर्स हैं कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल रहेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। किसी को भी मिनिस्टर अगर बनना है तो उसके लिए उसको गवर्नर के सामने एक ओथ लेनी पड़ेगी, और ये ओथ कहाँ डली हुई है, तो संविधान की जो तीसरी सूची है, 3rd शेड्यूल है, वहां पे ओथ दी हुई है। अब यहाँ पे जिस पर्सन को भी मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है, ठीक है, तो वो 6 महीने तक मिनिस्टर रह सकता है अगर उसके पास किसी हाउस की मेंबरशिप नहीं है। 6 महीने मैक्सिमम टाइम पीरियड दिया गया है उसको मेंबरशिप लेने के लिए, ये लिखा है आर्टिकल 164(4) में।
इसी क्लॉज का इस्तेमाल करके तीरथ सिंह रावत को यहाँ पे सीएम बनाया गया था। तो क्या ये इंसिडेंस पहली बार हो रहा है? आंसर है नहीं। योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के सीएम बने 2017 में, तब ये भी एमएलए नहीं थे। इनको पहले सीएम बनाया गया, बाद में विधान परिषद से इलेक्ट करके भेजा गया। सेम एज जो उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे दिनेश शर्मा और यहाँ पे केशव प्रसाद मौर्य, या फिर उनके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर स्वतंत्र देव सिंह, ये चारों लोग यहाँ पे मिनिस्टर्स बने और उस टाइम पे एमएलए नहीं थे। बाद में इनको यहाँ पे मेंबरशिप दिलाई गई। 2019 में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को भी इसी तरीके से मुख्यमंत्री बनाया गया था कि पहले उनके पास मेंबरशिप नहीं थी, बाद में उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल की मेंबरशिप दिलाई गई। सेम हमें केस देखने को मिलता है बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार का, या हाल ही में अभी हम बात करें ममता बनर्जी के साथ भी यही हुआ कि वेस्ट बंगाल में वो चुनाव हार गई, उसके बाद भी मिनिस्टर बनी कि अब री इलेक्शन में वो क्या करेंगी, यहाँ पे चुनाव लड़ेंगी। तो अब यहाँ पे फ्यूचर क्या हो सकता है? तो देखो, कुछ लोगों का कहना ये है कि हो सकता है जानबूझ के इनको रिजाइन कराया गया हो, क्योंकि 6 महीने के अंदर यहाँ पे आपको मेंबरशिप लेनी है। अब लेकिन यहाँ पे जो 2 सीटें खाली हैं तो उस पर उपचुनाव हो नहीं पा रहे, बाय इलेक्शन हो नहीं पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि हमारे यहाँ पे संविधान में हमने अमेंडमेंट करके एक क्लॉज और जोड़ दिया था कि किसी सीट पर अगर हमें बाय इलेक्शन कराने हैं और उसकी एक्चुअल जो टाइम लिमिट है अगर वो 1 साल से कम बची है तो हम वहां पे बाय इलेक्शन नहीं कराएंगे, डायरेक्टली जो जनरल इलेक्शन होंगे वो कराएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो, एक सीट होती है 5 साल के लिए। अब बीच में अगर वो सीट वैकेंट हो जाती, सपोज अगर 2 साल बाद उस मेंबर की डेथ हो गई जो सीट से था, तो अगला मेंबर जो इलेक्ट होगा वो 5 साल के लिए नहीं होगा, वो रिमेनिंग 3 इयर्स के लिए होगा। तो ऐसे ही अब जो 2 सीटें बची हुई थी इन पर 1 साल से कम का टाइम है, क्योंकि मार्च 2022 में विधानसभा का सत्र खत्म हो जाएगा, सॉरी विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो मतलब इलेक्शन जैन फेब तक वहां पे कंडक्ट करा दिए जाएंगे और अभी चल रहा है जून का मंथ, तो लगभग 7 महीने बचे हुए। तो इसीलिए बाय इलेक्शन हल्द्वानी और गंगोत्री सीट पर हो पाना पॉसिबल नहीं है। इसी का हवाला देते हुए यहाँ पे तीरथ सिंह रावत ने बोला है कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रेजिग्नेशन दे देता हूँ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। अब दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि इन्हें रिजाइन किया तो फिर से 6 महीने के लिए मिनिस्टर बन जाए, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। संविधान में इस चीज पर क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन चौधरी वर्सेस पंजाब केस में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे साफ बोला हुआ है कि कोई एक पर्सन जो कि अगर हाउस का मेंबर नहीं है और अगर वो मिनिस्टर बनना है तो ठीक है, वो 6 महीने तक मिनिस्टर रह सकता है, लेकिन 6 महीने बाद अगर वो चुनाव हार गया या उसने रिजाइन कर दिया एक्स वाई जेड किसी भी रीजन से, तो ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप उसको फिर से मिनिस्टर बना दो 6 महीने के लिए, फिर चुनाव कराओ, फिर 6 महीने के लिए कराओ, ऐसा नहीं करा सकते हो। क्योंकि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि जो जनता से चुने हुए लोग हैं, एक बार चुनाव हार गया आपने रिजाइन कराया फिर 6 महीने बनाए फिर 6 महीने, तो ये तो बिना चुने हुए ही चल रहे हैं ना संविधान के लूपहोल्स का यूज करके। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि आप ऐसे यूज नहीं कर सकते, 6 महीने के लिए आप बन सकते हो, चुनाव जीत के आओ तो कंटिन्यू करो, और अगर आप हार के आते हो तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा। तो ये हमारा पूरा मुद्दा था, इसमें हमने पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल दोनों एंगल को जाना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो जितना ज्यादा कर सकते हो। फिर से बोलूंगा, डाउट्स और क्वेरीज किसी भी तरीके की हो तो कमेंट सेक्शन में जाके रखो, डाउट्स बिल्कुल भी दिमाग में मत रखा करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।